जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को पता है, जितने भी लोग आपको एसएससी जीडी के लिए फर्स्ट चॉइस जो बता रहे हैं, सभी सजेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपको एनआईए, लेकिन एनआईए के बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपको एनआईए के कुछ ऐसे काम, वो क्या क्या काम करती है या उनकी क्या क्या खास बातें, वो सभी बताने वाला हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता होगी कि एनआईए है क्या, इसका काम क्या है, एनआईए और सीबीआई में क्या अंतर है, या और भी जितने आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो उनमें और जो एनआईए इसमें स्पेशली काम का फ़र्क क्या है, इनमें क्या क्या काम होता है, क्योंकि एसएससी जीडी के द्वारा आप सभी को एनआईए में जाने का मौका मिलता है और एनआईए की मेरिट भी काफ़ी अफ रहती है, उसका भी क्या रीज़न है वो भी बताऊँगा साथ में। लेकिन आपको आज तक जितने भी वीडियो देखे होंगे, मेरे ख्याल से जो भी बंदा यानी कोई भी एसएससी जीडी के बारे में भी प्रेजेंट टाइम अगर कोई भी वीडियो बनाता है और अगर आपको बताता है तो वो एनआईए को फर्स्ट चॉइस ज़रूर बताता होगा या एसएसएफ में से। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको एनआईए के बारे में बताने वाला हूँ मैं कि एनआईए के बारे में जानेंगे हम कि एनआईए है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका काम क्या। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भारत में मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक के बाद में एनआईए सरकार द्वारा स्थापित की गई थी एनआईए 31 दिसंबर 2008 में, जबकि इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मतलब घोषणा हो गई थी एनआईए के लिए। किसके लिए? क्योंकि जब मुंबई अटैक हुआ था तब देश में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं थी जो केवल आतंकवाद के खिलाफ काम करे। कैसे? जैसे सीबीआई है, वो आतंकवाद के खिलाफ भी काम करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करती है, आर्थिक मुद्दे भी देखती है और अपराध भी देखती है। आप सभी को पता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, आप सभी को पता है कि यह क्या करती है, आर्थिक मुद्दे भी देखती है देश के, अगर किसी पे अपराध का कोई बड़ा मामला हो जाता है उसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं लोग, तो सीबीआई ये सभी देखती है। लेकिन स्पेशली कोई फोर्स नहीं थी जो केवल आतंकवाद पे फोकस करे, जो केवल आतंकवाद के ऊपर फोकस करे। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 में इसीलिए की गई थी कि स्पेशली ये आतंकवाद के लिए तैयार की गई एजेंसी, ताकि उसके बारे में जाँच पड़ताल करे, देश में होने वाली कोई भी आतंकवादी घटना के बारे में पूरी से जांच पड़ताल करे। अभी अभी फिलहाल 7 दिन पहले एनआईए ने, आप सभी को पता है, कश्मीर में 6 आतंकवादियों को पकड़ा है, दर्द बोचा था 6 आतंकवादियों को जो बड़ी मतलब घुसपैठ करने वाले थे देश में, उनको एनआईए ने ही पकड़ा है 6 आतंकियों को। तो एनआईए का जो स्पेशली जो काम होता है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में कैसे कि जितनी भी आतंकी घटनाएँ होती हैं देश में या कोई भी बाहरी घुसपैठ होती है उसके लिए एनआईए काम करता है। और इनकी जो इस विशेष कोई वर्दी नहीं होती है, ये केवल एक एनआईए का वो कोट पहनते हैं, बाकी ये सिविल ड्रेस में ही काम करते हैं, स्पेशली इनकी कोई वर्दी नहीं बनाई गई, उसी में दिखेंगे आप एनआईए में लिखा हुआ। साथ में इसके साथ में और भी ये काम करते हैं, जैसे कोई भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी ये काम करते हैं, क्योंकि ड्रग्स माफिया भी बाहरी देशों से इसका होता है, तो इसीलिए ड्रग्स माफिया के खिलाफ ये विशेष काम करते हैं। दोस्तों तो एनआईए का बेसिकली एनआईए और सीबीआई आईबी इन सब में जो मेन फ़र्क है वो क्या है कि एनआईए केवल किस पे काम करती है, आतंकवाद विरोधी, यानी आतंकवाद से संबंधित जितनी भी देश में घटनाएँ होती है या गतिविरोधी घटनाएँ होती है उनमें एजेंसी, कौन सी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है, एनआईए। कब करती है आपको पता है, कई जैसे जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के पास में कोई भी ऐसा केस आता है तो वो तो कहाँ पर, उसका काम सिर्फ उनको पकड़ना है, उसके बाद में एनआईए को सौंपना है, एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसीलिए आपको फर्स्ट चॉइस दी जाती है, क्योंकि इसका जो काम होता है बहुत ही शानदार काम होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको रेफर करते हैं कि आप एनआईए फर्स्ट चॉइस दें, क्योंकि इसका काम दिमाग वाला भी है, दम वाला भी है और काम वाला भी है, बहुत ही अच्छी जॉब है। और अभी छोटी जॉब है, क्यों यानी छोटी जॉब नहीं कहने का मतलब है, छोटी फोर्सेस है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में स्थापित हुई थी इसीलिए, और इसका काम अभी ज़्यादातर बड़ी सिटियों में रहता है, वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं दोस्तों देश के अलग अलग कोनों में। तो ये है एनआईए के विशेष काम, और सीबीआई से कैसे अलग है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।